ओके राहिने ने कभी समोसे नहीं खाए हैं, रादर कभी उसने खाने की इच्छा ही नहीं जताई। अब उसने बोला है कि ये समोसे खाने हैं तो मैं गेहूं के आटे के बना रही हूँ। गेहूं के आटे में अजवाइन और घी डाल के इसे टाइट गूंदूंगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो द टेरेस किचन पर मैंने बेक समोसा डाला था, बाकी पूरी रेसिपी वही है, बस मैं आज इन्हें फ्राई करने वाली हूँ। गेहूं के आटे में अगर गूंदते समय सही से घी डाला हो तो गेहूं के आटे के समोसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। राहिने को काजू पसंद है इसलिए समोसे की स्टफिंग में मैं काजू भी डालने वाली हूँ। बाकी रेसिपी तो सेम ही रहेगी बट साथ में थोड़े से काजू। तो पहले इन्हें फ्राई करूंगी और अलग से निकाल लूंगी। जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, चाट मसाला, तो बेसिक मसाले डालकर बिना हल्दी के मैं ये स्टफिंग बना रही हूँ। चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ में मैं डालने वाली हूँ उसमें थोड़े से मटर। समोसे की टेस्टी स्टफिंग रेडी है, अब बनाते हैं समोसा। आटा भी रेस्ट कर चुका है, थोड़ा सा गूंद के बनाऊंगी पहले मिनी समोसे। क्यूट सा समोसा रेडी है फ्राई होने के लिए। धीमी आंच पर शुरुआत में और बाद में थोड़ा सा धीमी से मीडियम के बीच। ऐसा करने से बबल्स भी नहीं आते और समोसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। राहिनी के टिफिन के लिए क्यूट से समोसे रेडी है। इन्हें मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी और फिर राहिनी का टिफिन पैक करूंगी। गरम है समोसा। गरम है। How is it? Yummy है। खाओगे ना? समोसा 1 2 3 4 फुल समोसा। Will you share it with ध्रुवन? ध्रुवन को दोगे एक? नहीं वो नहीं खाता। तुम्हें कैसे पता वो नहीं खाता है? वो एप्पल खाता है। एप्पल खाता है ध्रुवन। ओके ध्रुवन ये नहीं खाता।
मुझे खुद को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, कई बार अचानक क्रेविंग हो जाती है, पर इसका प्रोसेस इतना लंबा है कि बिना प्लान किए झट से बनते नहीं, ऐसे इच्छा हो जाती है और हर जगह के समोसे अच्छे भी नहीं लगते। और जहाँ भी समोसा मिल रहा हो वहाँ गर्मा गर्म होना चाहिए, अभी इतनी सारी रिक्वायरमेंट के साथ हर टाइम मिल नहीं पाते हैं। खैर आज मैं खुद बना रही हूँ तो एंजॉय करूँगी। इसमें रखना है हमारे भी आटे के समोसे रेडी है, इन्हें मैं परोसूंगी इमली के चटनी के साथ जो हमेशा हमारे रेफ्रिजरेटर में होती है। ट्यूसडे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मेरा जब हेडेक होता है तो बस मुझे चांद तारे दिख जाते हैं। खैर आज है वेंसडे, आज मैं बनाऊंगी मशरूम के पराठे। मशरूम कैसे हो गया बेटा? मम्मा ने इसको धोया है ना, इसलिए गीला हो गया। मशरूम कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है। यम्मी? कच्चा है मशरूम। हाँ ये कच्चा है, ये थोड़ी दे रही हूँ मैं खाने के लिए। तुमको अच्छा लगता है ना मशरूम? बना के दो। हाँ दे रही हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप क्या बना रहे हो? तुम देखो मैजिक बना रही हूँ, यमी यमी। कट जाएगी ना मम्मा? मम्मा को आता है कट करने बेटा। मुझे बड़े होके कट करना है। ठीक है बड़े होके कट करना। ओके मैं मशरूम की कोई स्टफिंग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मशरूम को एक बाइंडिंग चाहिए होगी जैसे कि आलू, बट मुझे आलू आज यूज़ नहीं करना है। तो पहले मशरूम और अनियन को थोड़ा सा उबालूंगी और इनका एक पेस्ट बना के उसमें आटा गूंदूंगी। बहुत फ्लेवरफुल और टेस्टी पराठे बनते हैं। इस तरह की चीज़ों को गर्म गर्म में ही पीसने के लिए हैंड ब्लेंडर काफ़ी काम आता है। ये मिक्सचर काफी डार्क हो गया है मशरूम की वजह से, पर कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टी बनेंगे पराठे, दिखने में भी अच्छे हो जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, बेसिक मसाले डालकर मैं इस आटे को गूंद रही हूँ। ये पराठे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनते हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। राहिने के टिफिन के मिनी पराठों के बाद हमारे लिए है रेगुलर साइज के पराठे। उसे मिनी पसंद है तो मैं उसके लिए मिनी बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ सूजी बॉल्स। स्टीम्ड होती है ये सूजी चावल के साथ और इसमें मैं डाल रही हूँ पालक ताकि पालक के भी गुडनेस इसमें आ जाए। गुड मॉर्निंग। तुम क्या बोल रहे थे? मम्मा। पैन कार्ड
बर्तन का है। मम्मा ये क्या दादी को चक्का लगाना है, दादी ने परेशान कर दिया तो चक्का लगाना है। परेशान दादी नहीं करती है, तुम करते हो। तुम दादी को चटका लगाओगी क्या? नहीं। पालक का पेस्ट सूजी और पानी नमक डालकर मैंने पकाया है और लास्ट में थोड़ा सा चावल का आटा ताकि अच्छी एक बाइंडिंग आ जाए, एक बॉडी मिल जाए। अब इस मिक्सचर के हमें बनाने हैं छोटे छोटे बॉल्स। पहले मैं थोड़ा सा घी लगाकर इसे मिस लूंगी। छोटी छोटी बॉल्स बनाकर पहले स्टीम और फिर तड़का। आज राहिने का टिफिन और हमारा नाश्ता यही होने वाला है। तड़के में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, जीरा, कड़ी पत्ता और ये सूजी के बॉल्स, और साथ ही मैं मैगी का मसाला मैं डालूंगी ऊपर से। आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं, सांभर का मसाला भी बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, किसी भी टाइम पर इडली ऐसी चीज़ है ना, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो राहिने के लिए मैं बना रही हूँ मिनी इडली और हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी वाली इडली नारियल की चटनी के साथ। राही ने मिनी इडली पसंद करता है तो इसलिए मैं इसके लिए छोटी इडली बनाती हूँ। साथ में उसे येलो कलर की चाहिए, यानी हल्का सा तड़का लगाई हुई, तो केवल घी और हल्दी का भी तड़का लगा दो, उसके लिए काफी हो जाती है। आप भी इस मिनी इडली को बनाकर जरूर देखिए, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इसका टेक्सचर अलग आ जाता है। तो मिनी इडली भी सांभर के साथ, चटनी के साथ, घी के साथ, घी पोड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे लिए मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो मिक्सर में डाल रही हूँ फ्रेश नारियल, हरी मिर्च, थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल यानी कुटाना दाल, लहसुन और नमक। इस चटनी पर ऊपर से मैं सूखी लाल मिर्च, राई, कड़ी पत्ते का भी तड़का लगाऊंगी।
गर्मा गर्म इडली और टेस्टी नारियल की चटनी, ऐसे में सुबह की भागदौड़ में अगर सांभर ना भी हो तो भी चल जाता है। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।